नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भचाऊ स्टेशन का ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। भचाऊ स्टेशन जो कि गांधीधाम से 30 किलोमीटर है, ये कच्छ जिले में पड़ता है। तो चलिए चालू करते हैं। भचाऊ स्टेशन है ये, चलो अभी तुमको दिखाऊंगा। धीरे धीरे हम भचाऊ स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। अपना भाई गाँव जा रहा है तो उसको छोड़ने आए हैं। ये देखिए भचाऊ का, भचाऊ सुनसान पड़ा है भैया। समय अभी 10:30 हो रहा है, इसलिए कोई न गाड़ी है न घोड़ा है। अरे 11:30 वही लगता है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, वैसे साफ सफाई तो काफी अच्छी है। ये भाई साहब एक कुर्सी उर्सी लगी है, इसमें क्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बराबर, मे आई हेल्प यू। भैया सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हमारे फ्रेंड धीरे धीरे, चलिए हम भी चढ़ते हैं। शायद प्लेटफार्म के उस तरफ जाना पड़ेगा। ठंड बहुत हो रही है गुरुजी। वैसे ठंड तो यहाँ की हवा की ठंड है, ज्यादा विशेष कुछ कोहरा वोहरा नहीं पड़ता है। चल भैया, यहाँ पे 3 पटरियां दिख रही हैं बचाव पे। सेकंड प्लेटफार्म पे शायद एक पटरी और है। हम ब्रिज पे चढ़ चुके हैं, यहाँ का नजारा देख लीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं हम। साफ सफाई भाई यहाँ के देख के मानना पड़ेगा गुरुजी। अब धीरे धीरे हम ब्रिज के नीचे से उतर रहे हैं दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों इस तरफ 3 पटरियां दिखाई दे रही हैं मुझे, जो कि वो एक नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, और इस तरफ 2 पटरियां दिखाई दे रही हैं। वैसे काफी लंबी ऊंचाई है, इसलिए कुछ ज्यादा ही थका आ गई है। ट्रेन तो आ चुकी है भाई साहब, ये मैं ब्रिज के पास खड़ा हूँ। डिब्बा क्रमांक 8 बोर्ड लगा है शायद, गांधीधाम पुरी। गाड़ी आ चुकी है, अभी लमसम 11:12 बज रहे हैं। भाइयों एकदम शांत प्लेटफार्म है ये, बहुत साफ सफाई वाला है। कुछ ज्यादा विशेष भीड़ भी नहीं दिख रही, पता नहीं रात की वजह से है कि किस वजह से। एक नंबर प्लेटफार्म पे हम खड़े हैं, उस तरफ कुछ भय भी नहीं। ला 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 ला। अंधेरा होने की वजह से कुछ हल्का फुल्का कम दिख रहा होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। सीट मिली विक्रम? हाँ भाई, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी मुझे बोलना चाहिए तुमको। हाँ भाई, चल पड़ी ट्रेन, ए उतर जा, साथ जाएगा क्या? ट्रेन काफी लंबी है भाई साहब,
और पूरी ट्रेन लोहे की है। और यहाँ पे ये देखिए एकदम स्टेशन के एंड में आ गया हूँ, क्योंकि वो सामने बोर्ड दिख रहा है, अंधेरा होने की वजह से हल्का कम दिख रहा होगा। इसमें गुजराती में भचाऊ लिखा है, हिंदी में भचाऊ लिखा है और इंग्लिश में। धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू हो गई। भाई अपना ये जा रहा है, ए विक्रम फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और इस पे कमेंट करना, और किस जगह की वीडियो आप चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।